का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, तो मैं भी यहाँ पे आज आपके साथ ट्रेनिंग में ही जुड़ा हूँ। और सर से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है कि आप लोगों को किस तरीके से न्यूमेरेसी के ऊपर, लिटरेसी के ऊपर शेयरिंग किया है सर ने, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों का नॉलेज, मुझे भी पता है कि आप लोग भी मेरे से भी बहुत ज़्यादा जानते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ मैं क्या उदयपुरी में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्कूल में जाने के बाद वो मैं शेयर करूँगा। जैसे हम जब स्कूल में जाते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि रिसोर्स पर्सन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप सभी लोगों को भी पता है हमारे यहाँ पे उदयपुरी में हो या फिर ओवरऑल इंडिया में भी या फिर आसाम में भी देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें टीचर रिसोर्स पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी अभी मैंने बुक भी देखा था, एफएल की जो भी बुक आई है, जो नया टेक्स्ट बुक मिला है आप सभी लोगों को, तो वहाँ पे हफ्ते वाइज दिन वाइज एक एक आप लोगों को पेज और एक एक पेज में एक एक प्लान आप लोगों को सभी को अच्छे से बताया गया है कि इस दिन में क्या क्या करना है। फिर भी एक प्रॉब्लम यही आएगा कि टीचर रिसोर्स पर्सन बहुत ज़्यादा कम है, तो हम किस तरीके से पढ़ाए, क्योंकि कोई भी स्कूल में पाँच पाँच या फिर तीन तीन क्लासेस होने के बाद एक ही टीचर होता है, तो वहाँ पर किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसको लाइक सर से भी अभी वही बात कर रहा था कि ये तो है, आप लोग बुक्स भी प्रोवाइड करा रहे हो, प्लान भी आ रहा है, लेकिन इसको अगर इम्प्लीमेंट अगर करना है तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो उस चीज़ के लिए शायद मुझे लगता है कि आपको ही एज अ टीचर करके थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आप इस साल अगर इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे आज आपने क्लास टू को या फिर क्लास थ्री को आज इस तरीके से अगर पढ़ाना अगर स्टार्ट कर दिया, तो वही क्लास टू का बच्चा क्लास थ्री में जब जाएगा तो उसको ये एक हैबिट बन जाएगी कि हमें यहाँ पे टीचर आते हैं, टीचर हमको इस तरीके से ये बताते हैं कि ये करना है हमें, और उसके बाद वो जब आप दूसरे क्लास में चले जाओगे तो उनको वो मतलब जो क्लास टू का बच्चा आज प्रिपेयर हो रहा है वो आने वाले साल में उसको हैबिट हो जाएगी कि इस तरीके से हमें टीचर पढ़ाते हैं, और ये हमें आदत अभी डालना पड़ेगा बच्चों में। अगर हम आज ये आदत अगर नहीं डालेंगे तो यहाँ से आगे भी मतलब हमें पता है अभी प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम से हमें अभी फेस करना पड़ेगा, और बहुत सारे टीचर फेस भी कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को देख भी रहे, उसको अपने तरीके से टीचर एक सोल्यूशन ला भी रहे हैं। तो मैं आशा ही करूँगा कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स थे, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग लिया है और लास्ट टाइम में भी जो ट्रेनिंग लिया है, उन ट्रेनिंग को मिला के कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज जैसे यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आप अपने स्कूल में अलग जो भी बाकी के स्कूल है उन स्कूल से अलग क्या कर सकते हो, इसके ऊपर भी अगर आप सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और आपका जो स्कूल है बाकी स्कूल से हाईलाइट होगा। और यहाँ पे जो भी आप लोगों को ट्रेनिंग ट्रेनिंग के ऊपर काम कीजिए, और बच्चों को जो भी उनका जो राइट्स है, क्योंकि बच्चों को राइट्स प्रोवाइड कराना ये हमारा भी एक राइट है कि उन लोगों को हम उनके जो अधिकार है उन अधिकारों की पूर्ति उनको की जाए, उनको उनके अधिकारों का हम रिसोर्स उनका अवेलेबल करके दे, तो एक एज ए टीचर या समाज का एक हिस्सा हम उन सभी लोगों को उनके जो राइट्स है वो राइट्स अवेलेबल करने में उनको हेल्प करेंगे। यही मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ। साथ ही साथ टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि टीचर जो होता है वो एक बच्चे की लाइफ बना भी सकता है और एक बच्चे की लाइफ बिगाड़ भी सकता है। तो आप अपने स्तर पे किसी भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, उन बच्चों की मतलब अंदर से आप करते ही हो, फिर भी और नए इंडिविजुअल आइडियाज लेके उन बच्चों में और नए तरीके से आप क्या कर सकते हो, ताकि बच्चा हर दिन स्कूल में आए और स्कूल में आने के बाद उस स्कूल के एनवायरमेंट में ही भले, तो इन चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी आप सोचिए और नए आइडियाज अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कीजिए। और आप यही मैं शेयर करना चाहता था, और थैंक यू सो मच फैसिलिटेटर्स आप सभी लोगों ने जिस तरह यहाँ पे बोलने के लिए इजाज़त दिया है, और साथ ही साथ आप सभी लोगों टीचर्स ने बहुत अच्छे से सुना है, और अगर मेरी बात अगर आप लोगों को अगर बुरी लगी हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं अभी यहीं पे अपना जो भी मैंने शेयर किया है उसको मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच। लगा